आज हरियाणा बोर्ड ने कक्षा 12वीं का परिणाम जारी कर दिया है और जो छात्र एक सब्जेक्ट से अधिक में फेल हो गए हैं और जिनका कंपार्टमेंट आया है उनके बारे में हरियाणा बोर्ड चेयरमैन ने कहा है कि कंपार्टमेंट वाले स्टूडेंट को 3 मौके और जो फेल हो गए हैं उनको CTP क्रेडिट ट्रांसफ़र पॉलिसी के तहत 6 मौके दिए जाएंगे। क्रेडिट ट्रांसफ़र पॉलिसी के बारे में आप जान लीजिए कि ये होता क्या है। रिजल्ट आने के 2-3 महीने के बाद CTP के फार्म निकलते हैं। अगर आप इसका फॉर्म भरते हैं तो आपको केवल उन्हीं सब्जेक्ट के पेपर देने होते हैं जिनमें आप फेल हुए हैं। जैसे आप 2 सब्जेक्ट में फेल हुए हैं तो आपको फॉर्म भरते समय उन्हीं 2 सब्जेक्ट के बारे में फॉर्म में भरना है। लेकिन आजकल जैसे ही आप फॉर्म में अपना रोल नंबर डालोगे तो आपको तुरंत आपके सब्जेक्ट दिखा दिए जाएंगे जिसमें आप फेल हैं। उन सब्जेक्ट के साथ आप अपने फॉर्म को पूरा भरें और उसके बाद आपको केवल उन्हीं सब्जेक्ट के पेपर देने होंगे जिनमें आप फेल हैं। मान लीजिए कि टोटल आपके 6 पेपर होते हैं और अगर आप 2 सब्जेक्ट में फेल है तो केवल आपको 2 सब्जेक्ट के ही पेपर देने होंगे। तो अब आपको CTP के बारे में पता लग गया होगा कि CTP है क्या, और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि बोर्ड चेयरमैन ने क्या कहा है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड किसी भी विद्यार्थी को फेल नहीं करता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक विद्यार्थी को क्रेडिट ट्रांसफर पॉलिसी के तहत अगले वर्ष मार्च से जो विद्यार्थी फेल हो गए हैं या जिनकी कंपार्टमेंट आई है, कंपार्टमेंट वाले विद्यार्थियों को इसी वर्ष में 3 चांस दिए जाएंगे। और जो विद्यार्थी एक विषय से अधिक विषय में रह गए हैं, ऐसे विद्यार्थी अगले वर्ष मार्च में जितने विषयों में रहे हैं केवल उन्हीं विषयों की परीक्षा दे करके क्रेडिट ट्रांसफर पॉलिसी के तहत बोर्ड में अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और ऐसे विद्यार्थियों को उन सब्जेक्ट को पास करने के लिए 6 मौके दिए जाएंगे।